हर जगह है, हर अच्छे बुरे लोग, लेकिन आपको चॉइस करना है कि आपको किसके साथ में, इसके साथ रहना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल हम आएंगे सर आपके पास। हमारे साथ सलिन चोपड़ा जुड़ चुकी हैं। देखिए इस जो मार्च यहाँ पर कदर मार्च हुआ, सलिन चोपड़ा आ चुकी है। सलिन जी क्या कहेंगे, आज आप देख रहे हो सरकार अपनी चुप्पी तोड़े, आपके हाथ में जो वोट बैनर है, किस तरीके से आपको लग रहा है सरकार या फिर सत्ता के बारे में बताएं आप? तो हम किस तरीके मैं अनुरोध करती हूँ तमाम बॉलीवुड एक्टर्स से कि वो आगे आएं और श्रद्धा हत्याकांड में आफताब के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें, जस्टिस फॉर श्रद्धा की मांग करें, गुहार लगाएं और बता दें लोगों को कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्मों से मतलब नहीं है, उन्हें इस समाज से भी मतलब है। उन्हें इस समाज में जो अन्याय हो रहा है उससे, उसके खिलाफ वो आवाज़ उठा सकते हैं, ये बताएं लोगों को। हम लोग सब समाज का हिस्सा है ना, हम लोग सब समाज का हिस्सा है, उस समाज में रहना है हमें, समाज के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। लोगों को अवेयरनेस ये सारी चीज़ें सबको, हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे कि भाई बॉलीवुड के या किसी भी कहीं के भी कोई लोग, लेकिन हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे। नहीं नहीं देखिए वो लोग प्ले कार्ड लेकर आ जाते हैं, कई सारे बॉलीवुड और करीना कपूर, लोगों को लगता है कि अरे श्रद्धा हमारी कौन लगती है, हमारी लगती है, हमारी श्रद्धा बहन लगती है, इस देश की बेटी है, इस नाते के अनुसार हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके लिए न्याय की गुहार लगाएं। तो क्या अगर उनका जन्म किसी दूसरी माँ की कोख से हुआ, तो क्या? अरे हम सब देश के नागरिक हैं, कल के दिन अगर हमें कुछ हो जाए तो हम क्या समझें कि अरे हमारा तो कोई है नहीं, हाँ आगे पीछे कोई है नहीं, ऐसे नहीं होता है। हम एक समाज, बिल्कुल हमें, हम जंगल में नहीं जी रहे हैं, हम एक समाज में जी रहे हैं, यहाँ गुंडाराज नहीं चलेगा। मैम जैसे कि एविडेंस पुलिस जुटाने की कोशिश कर रही है हर जगह जुटाने की, जैसे कि मोबाइल अगर हम बात करें जी, भाईंदर के जो वासी खाड़ी में जो डाल दिया था उसने, तो अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ है, तो क्या कहना चाहोगे तो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है जी, क्या आपको लगता है इतना बड़ा केस सीबीआई को जाना चाहिए? व्हाट इज योर थिंक अबाउट दैट? जी मैं अनुरोध करती हूँ केंद्रीय सरकार से जल्द एक कमेटी बिठाई जाए ताकि ये जो जो कड़ियाँ टूटती हुई नज़र आ रही हैं उन कड़ियों को जोड़ दिया जाए मजबूती से, जैसे श्रद्धा का मोबाइल फ़ोन और उनका कटा हुआ सिर और जिस आरी से उनके शव के टुकड़े किए गए वो आरी अभी तक लापता है, और भी कई सारी मोहब्बत के नाम पर प्रेमी आफताब ने श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े कर दिए, ये और 35 टुकड़े करने के बाद उनकी कटी हुई मुंडी को फ्रिज में रखकर रोज उसे देखता था वो, मतलब मिस करता था। हम लोग इतना डर रहे हैं सोच के, यू सेड दैट देखता है, ये सोच के हाईटेक टेक्नोलॉजी हमारी, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी, हम लोग इतने फास्ट उसमें 5G में हम लोग पहुंच गए हैं, और इस तरह की चीजें हमें पकड़ने में कितना देरी लगना चाहिए? 6 महीने बाद हमें पता चला, 6 महीने तक वो लापता रही और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। मैम चाहे पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन करो, लेकिन बाद में
कोर्ट से छूट जाए तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि चावला रेप केस में हाई कोर्ट हो, ट्रायल कोर्ट हो, इन्होंने तो फांसी की सजा दी थी, लेकिन एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने उनको छूट दे दी, क्योंकि उनको जजेस को लगा कि जो पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो सही तरीके से नहीं की, और जो आरोपी थे उनको भी बरी कर दिया गया और उन्हें इस केस में री इन्वेस्टिगेट होना चाहिए अगर जजेस को लग रहा था सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन उनको बरी कर दिया गया, और जो पुलिस ने का इन्वेस्टिगेट किया था डीएनए भी पूरी तरह से मिला था और उन्हें से किडनैप किया था और एसिड फेंका था और चावला रेप केस पर, लेकिन उसमें भी बरी हो गया था। देखिए, अगर आफ्ताब पूनावाला को सजा नहीं मिलती है तो ये सिलसिला चलता रहेगा। yes. हर आए दिन right. किसी ना किसी बहन या माँ के शव के टुकड़े होते रहेंगे, हर आए दिन किसी ना किसी महिला का यौन शोषण होता रहेगा, बलात्कार होता रहेगा। exactly. इसलिए मैं अनुरोध करती हूँ पुलिस प्रशासन से और न्यायालय से कि एक मिसाल बनाएं, समाज में रहने वालों के लिए एक मिसाल बनाएं, उन्हें बताएं कि अगर आप कानून के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको सजाए मौत मिलेगी, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप किसी को मौत के घाटे उतार दें। अरे आपकी बनती नहीं है अपनी प्रेमिका से, आप वॉकआउट करो ना रिलेशनशिप से, आपका क्या हक बनता है कि आप उसे खत्म कर दें, और खत्म करके आपका जी नहीं भरा उसके बाद आपने उसके शव के 35 टुकड़े किए। That is to save himself, he did it. To save himself. कोई सबूत ना रहे। Yeah, exactly. ऐसे दरिंदे का कोई हक नहीं बनता। ना, ये डर नाम की जो चीज है ना, डर खत्म तो हो गया है। ये तब तक नहीं होगा जब तक के कोई कानून कड़ा नहीं होगा, सजा नहीं मिलेगी। क्रिमिनल माइंड बहुत लोग हैं और छोटी छोटी बच जाते हैं तो इसलिए उसको इजी ले लेते हैं, इजी फॉर ग्रांटेड। तो आदमी को जब तक सजा नहीं मिलेगी कड़ी, तो दूसरा क्रिमिनल इबरत कैसे हासिल करेगा? एक छूट जाता है, पकड़ते हैं, छूट जाता है, कानून व्यवस्था में सारी चीज़ें। भाई सबूतों के आधार पे अगर सबूतें जुटाई जाए, हम लोग हाई टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं तो हम लोग क्या सबूत जुटाने में महीनों सालों लगा देंगे? तो सजा जो क्रिमिनल है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जल्दी और महिलाओं के लिए इंसाफ मिले। जी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए लोग कहते हैं हमारे पास बहुत ही मजबूत कानून है, तो उस कानून का पालन क्यों नहीं हो रहा है? लोगों के दिलों में कानून के प्रति डर क्यों नहीं है? चलो आज क्या करें, बैठे बैठे क्या करें, चलो मर्डर करते हैं, क्या हो रहा है? हाँ, ये रेप कल्चर, मर्डर कल्चर, ये इसको हम कब तक बढ़ावा दें? और हमारी जो चुप्पी है ना, वही इसको बढ़ावा दे रही है। बहुत हो गया अब पुलिस प्रशासन को सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे, अदालत में पेश करना पड़ेगा। मैम, लव जिहाद के बारे में भी कहा जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं कि लव जिहाद, क्या ये सही है या गलत है, आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, लव जिहाद किसी की काल्पनिक सोच नहीं है, ऐसा होता आ रहा है इस देश में। लव जिहाद है क्या असल में, इसका मतलब क्या है? जब एक प्रेमी अपनी गलत पहचान बताकर एक प्रेमिका से प्यारिश मोहब्बत करता है और फिर धीरे 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 अपनी असलियत बताकर प्रेमिका से ये अपेक्षा रखता है कि वो जबरन धर्मांतरण करे प्यारिश मोहब्बत के नाम पर, इसे लव जिहाद कहा जाता है। क्या ये ज़रूरी है कि प्यारिश मोहब्बत के नाम पर हम माँ बाप का दिया गया नाम बदल डालें, हम अपना धर्म बदल डालें? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है और इसके खिलाफ ठोस और सख्त कानून बनने चाहिए। बिल्कुल एंटी कन्वर्जन लॉ, और मेरे ख्याल से लव जिहाद किसी एक्ट ऑफ टेररिज्म से कम नहीं है। जैसा कि यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि इसमें पेरेंट्स की भी गलती है, तो आप इसको कितना एग्री करते हैं कि पेरेंट्स भी की गलती है, क्योंकि अपने बच्चों को छोड़ दें? देखिए, एक हद तक पेरेंट्स अपने बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं जी, लेकिन उसके बाहर मतलब बियॉन्ड लिमिट वो अपने बच्चों को कैद करके नहीं रह सकते। नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगी, नहीं तुम 24 घंटे घर पर रहोगी, तुम सोशलाइज नहीं करोगी, ऐसे नहीं चलता ना। Till one age they can control them. After that, children are not able to control. हमें ये समझ होनी चाहिए कि
जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। आपको खुद अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, इंसान को अपने आप में एक थोड़ा सा अपना बड़कपन लाना पड़ेगा। एक तो अवेयरनेस बहुत, एक तो संस्कार, दूसरी बात अगर आप कहीं भी आते जाते तो फैमिली को इन्वॉल्वमेंट करिए, बिल्कुल, कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैं यहाँ जा रही हूँ माँ, या आज डैडी मैं यहाँ जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट खबर होनी चाहिए क्या हो रहा है, तो वही आपके गाइडेंस दे पाएंगे, बाकी नहीं दे पाएंगे। बिकॉज माँ बाप जो है वही आपके सच्चे साथी होते हैं, बाकी कोई नहीं है इतना। और अगर लोगों ये सब में थोड़ी अवेयरनेस चाहिए, और अगर आप उतने खुशकिस्मत नहीं है कि आपके साथ आपकी फैमिली मौजूद रहे और या सपोर्ट करे आपको, कोई बात नहीं, आप अपनी माँ बन जाओ, आप अपने पापा बन जाओ, आप अपनी बहन बन जाओ, आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लो, अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी लो। देखिए पुलिस प्रशासन एक हद तक हमारी मदद कर सकती है, बाकी सब हमें ही करना है। तो आप किससे दोस्ती कर रहे हैं, उसकी असलियत क्या है, उसकी पहचान क्या है, वो समाज में क्या करता है, ये सब पता लगाना बहुत ज़रूरी है। आफ्ताब पूनावाला के मामले में उसने तो अपना प्रोफाइल इतना कूल बना कर रखा था, यू नो, किसी को दूर दूर तक ये खबर नहीं थी कि वो असल में एक दरिंदा है, एक हैवान है, एक मर्डरर है। अब पता चल रहा है लोगों को। हम सोच भी नहीं सकते कि एक भोली सी शक्ल में इस तरह की चीजें अंदर हैं, एक डेविल भी है अंदर, और किसी को आप नहीं, किसी को जज ही नहीं कर सकते यार, किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कौन कैसा है। हमें खुद अपने आप में एक स्ट्रांग बनना पड़ेगा और एक अवेयरनेस।